हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए डांस ट्यूटोरियल वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, चाहे वो बिगनर डांसर हो चाहे वो एडवांस लेवल कोई भी डांसर हो। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ माइकल जैक्सन का मून वॉक। दोस्तों अगर आपको भी मून वॉक सीखना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा मून वॉक। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि बेसिक कैसे करते हैं। तो चलिए आप इस तरीके से आपको टर्न कर लेना है अपने बॉडी को। अगर आपके सामने कोई वॉल हो दीवार हो तो और अच्छी बात है। देखिए करना क्या है, आपका जो राइट वाला पैर है कोई सा भी पैर आप यूज कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले आप अपना जो राइट वाला पैर है इसको इस तरीके से आगे करोगे। ठीक है, अब इसको करना क्या है, राइट पैर को इस तरीके से आपको धीरे धीरे स्लाइड करना है इस तरीके से। ठीक है, स्लाइड करके आपको पीछे करना है और आपका जो दूसरा वाला पैर है इसको इस तरीके से टो पे खड़ा कर लेना है। ठीक है, अब इसी पैर को क्या करेंगे, उठा के आगे रखेंगे इस तरीके से फ्लैट पोजीशन पे। अब दोस्तों इस पैर को धीरे धीरे इस तरीके से आपको स्लाइड करके पीछे करना है। ठीक है, अब जो आपका दूसरा पैर है इसको ऑटोमेटिक टो पे ले लेंगे, फिर इसको उठा के आगे रखना है एंड फिर धीरे धीरे इसको इस तरीके से स्लाइड करके पीछे करना है। जो आपका दूसरा पैर है इसको धीरे से इस तरीके से आपको टो पे खड़ा कर लेना है। फिर से वही करेंगे, पैर उठाए आगे रखे स्लाइड करके पीछे किए, दूसरा पैर ऑटोमेटिक टो पे खड़ा कर लेना है आपको। पैर उठाए सामने रखे स्लाइड करके आपको पीछे करना है एंड दूसरा पैर टो पे रखना है। देखिए 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8। अगर आपके सामने कोई दीवार हो ठीक है तो इस तरीके से आप दीवार पे हाथ रख सकते हो और इस तरीके से आप ये कर सकते हो। इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, जिससे आप अच्छे से स्लाइड कर पाओगे अपने पैरों को। तो दोस्तों ये बेसिक था, तो चलिए अब हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो राइट वाला पैर है इसको इस तरीके से आपको आगे रखना है और आपका जो पीछे वाला पैर है इसको इस तरीके से टो पे रखना है। ठीक है, पीछे वाला पैर आपको इस तरीके से टो पे रखना है। आपका जो राइट वाला पैर है यानी कि जो आगे वाला पैर है इसको धीरे धीरे आपको पीछे स्लाइड करना है, ये इस तरीके से। ठीक है, जब हम स्लाइड करेंगे पैर को तो आपका जो बॉडी वेट है वो आ जाएगा आपके लेफ्ट पैर के ऊपर, ठीक है, जो कि टो पे है। अगर हम ऐसा करते हैं, बॉडी वेट को शिफ्ट करते हैं अपने जो लेफ्ट पैर है इसके ऊपर, तो हम इजी तरीके से पैर को इस तरीके से स्लाइड करके पीछे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से स्लाइड करेंगे पैर को। ठीक है, स्लाइड किए, अब क्या करेंगे, जो आगे वाला पैर है इसको नीचे रखेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे और जो पैर पीछे चला गया है इसको इस तरीके से टो पे खड़ा कर लेना है आपको। ठीक है, सेम चीज़ वही रिपीट करेंगे, हमारा जो बॉडी वेट है वो आ जाएगा हमारे राइट पैर के ऊपर जो कि टो पे है। ठीक है, अब हम हमारा जो आगे वाला पैर है यानी कि लेफ्ट पैर इसको धीरे से पीछे की ओर स्लाइड करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अगेन वही करेंगे, जो सामने वाला पैर है इसको नीचे करेंगे, जो आपका दूसरा पैर है पीछे वाला इसको टो पे कर लेंगे। पैर जैसे ही पीछे जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक टो पे खड़ा कर लेना है इसको। ठीक है, अगेन फिर से स्लाइड करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, पैर बिल्कुल सीधा करेंगे, जो पीछे वाला पैर है इसको टो पे रखेंगे एंड फिर से स्लाइड करेंगे, ये इस तरीके से। तो चलिए एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए डिटेल में। ठीक है, पैर आगे किए, पीछे वाला पैर टो पे लिए, अब इसको इस तरीके से स्लाइड किए। ठीक है, एंड इस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, फिर से स्लाइड करेंगे, ये इस तरीके से एंड इस तरीके से पैरों को चेंज करेंगे, अगेन स्लाइड किए एंड चेंज किए, स्लाइड किए एंड चेंज किए। एक बार फिर से काउंट में देखिए, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते हैं हमारे किसी नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ।